नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। चौबीस घंटे में देश में कोरोना से 1258 मौतें, महाराष्ट्र में 511 मरीजों ने तोड़ा दम। गुजरात के सूरत पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बोले गुजरात में तेजी से बदल रही है राजनीतिक हवा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ले लद्दाख दौरा, आज सेना की तैयारी की करेंगे समीक्षा। ढील के साथ प्रदेश में 6 जुलाई तक बढ़ेगा कोविड कर्फ्यू, वीकेंड पर पर्यटन स्थल खोलने की तैयारी। उत्तराखंड में कोरोना के 24 घंटे में मिले 164 नए संक्रमित मरीज, वहीं 2 की मौत, 272 मरीज हुए ठीक। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खास खबरों के साथ। उत्तराखंड में साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू को 6 जुलाई तक बढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे अनलॉक की ओर बढ़ रही प्रदेश सरकार कोविड कर्फ्यू में कुछ और रियायत देने की जा रही है, और प्रदेश में बाजार शाम 7 बजे तक खोलने की तैयारी है, और इसके अलावा वीकेंड पर राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों को खोलने का भी निर्णय हो सकता है। राज्य में कोविड के मामलों में कमी आने के बाद प्रदेश सरकार चरणबद्ध ढंग से अनलॉक की ओर बढ़ रही है। कोरोना के नए डेल्टा स्वरूप के खतरे को देखते हुए सरकार बाहरी राज्यों के लोगों के राज्य में प्रवेश को लेकर कोई ढील देने को तैयार नहीं है, इसलिए कर्फ्यू के दौरान जो बंदिशें बनी हुई हैं उन्हें जारी रखा जाएगा। वहीं मेट्रो हॉस्पिटल ने जेल में दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। जेलर मनोज कुमार आर्य, वरिष्ठ जेल अधीक्षक की सराहना से डॉक्टर हिमानी और उनकी टीम ने जेल 86 बंदियों के दांतों का परीक्षण किया। अधिकांश बंदियों को तत्काल ही उपचार दिया गया, जिनमें 10 बंदियों के दांतों में इन्फेक्शन पाया गया, जिसके लिए उन्हें एंटीबायोटिक दवाएं दी गई। उनका 1 सप्ताह के बाद एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। बंदियों को ओरल हाइजीन मेंटेन करने और सही तरीके से ब्रश करने की सलाह दी गई। वहीं मंदसौर जिला युवक कांग्रेस द्वारा महंगाई का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बेतहाशा मूल्य वृद्धि का विरोध करते हुए साइकिल रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के साथ साथ तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस रैली में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध स्वरूप साइकिल पर सवार हुए और रैली में बैलगाड़ी का भी उपयोग कर पेट्रोल डीजल की महंगाई बताने का प्रयास किया। आज कांग्रेस द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है, जो तहसीलदार मंसूर द्वारा स्वीकार किया गया है और जहां जिन्हें एड्रेस किया गया। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के कम होने के बाद पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की बड़ी तादाद आना जारी है। जी हाँ, पर्यटन स्थल अभी भी बंद है। उत्तराखंड में आने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के बाद मसूरी आए पर्यटकों और स्थानीय व्यवसायियों में उत्साह नजर आ रहा है। वहीं इस वजह से समस्त मसूरी में जगह जगह जाम लग रहा है। हालांकि पुलिस इस उमड़ी भीड़ को लेकर काफी सतर्कता भी बरत रही है, फिर भी पर्याप्त फोर्स की कमी के कारण नाकाम साबित हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद थोड़ा अब जब केस कम आए तो सरकार ने कुछ छूटें दी हैं, लेकिन सरकार की नीति जो है वो बड़ी अजीब किस्म की है। आपने पर्यटकों को आने की छूट दे दी, हालांकि उसमें यह है कि एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट लाओ या आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लाओ, लेकिन उसके बाद भी कई टूरिस्ट ऐसे हैं कि जिनके पास ना तो एंटीजन की रिपोर्ट है और ना आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है। वो लोग मसूरी में आ रहे हैं, जो मसूरी में आ रहे हैं चाहे भले ही रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, कोई मास्क लगाने को तैयार नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये अपने आप तो खतरे में डाल रहे हैं, मसूरी को भी खतरे में डालेंगे आने वाले समय में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, ठीक है व्यापार होना चाहिए, लोग दो साल से बहुत परेशान हैं, सबकी दुकानें बंद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी
वहीं यूपी डब्ल्यूडब्ल्यूए हरिद्वार द्वारा पुलिस लाइन में कार्यशाला आयोजित की गई। पुलिस परिवार की महिला और बच्चों को सजावटी सामग्री बनाने की जानकारी दी गई। एसएसपी हरिद्वार संतिल अबुदाई कृष्णराज एस महोदय के सम्मुख उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं अशोक भदाड़े के दिशा निर्देशन में पुलिस लाइन रोशनाबाद में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में मौजूद पुलिस परिवारजनों के सम्मुख कागजों के फनकार द्वारा अपनी कलाकारी दिखाई गई। लगा सर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार, पेपर फ्लावर मेकिंग, जो हम लोग आर्ट बताते स्कूल में शो करते हैं। स्कूलें बंद होगी तो हमने राजस्थान से सोजत रोड गांव है, जिला पाली है, हम वहाँ से हरिद्वार में आए हैं। हमने चला दर्शन भी हो जाएंगे और अपने जो हरिद्वार के बड़े साहब एसपी साहब हैं उनसे मैं मिला, उन्होंने मुझे प्रोग्राम का मौका दिया दिखाने का, डेमो करने का। तो मैंने मैम साहब जवानों के सामने, पुलिस जो हरिद्वार की है उनके सामने मैंने डेमो किया पेपर फ्लावर मेकिंग का। तो मैम साहब और एसपी साहब मेरी काफ़ी हेल्प की है और मुझे थोड़ा बहुत कुछ बहुत सारी हेल्प की मेरे लिए। तो आज यहाँ पे एक वर्कशॉप की गई थी क्राफ्ट के रिगार्डिंग, तो ये आज हमने बचपन में भी देखी थी और आज भी ये वैसे ही रिफ्रेशिंग है। इसे देख के बहुत कुछ सीखने को मिला, बच्चे आए और हमारी भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, देख कर बहुत अच्छा लगा और ये बहुत ही इनोवेटिव भी है और साथ ही साथ आपके काम आने वाली। हरिद्वार जनपद के अंतर्गत हमने ये प्रोग्राम आज यहाँ पर पुलिस हरिद्वार में कराया है। यहाँ पे हमारे पास जयपुर से कुछ कलाकार आए हुए हैं और जो विभिन्न प्रकार की क्राफ्ट, पेपर क्राफ्ट और नीडल वर्क जो है दिखाने वाले, तो हमारी यहाँ पे महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और बच्चों के लिए भी कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करने के लिए हमने इनको यहाँ इन्वाइट। बढ़ते अगली खबर की ओर, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगंदे ने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लवाली का स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने लेबर कक्ष, वार्ड, औषधीय कक्ष, जनरल ओपीडी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वैक्सीनेशन फ्रिज, उपस्थिति पंजिका सहित अन्य का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल में तैनात डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स सहित अन्य कर्मचारियों की भी जानकारी ली। उन्होंने सीएमओ को निर्देशित किया कि अस्पताल में उपकरणों को सुव्यवस्थित रखवाना सुनिश्चित करें। अस्पताल में तैनात चिकित्सक को निर्देशित किया गया कि लोगों का उपचार गंभीरता के साथ करें। वहीं चारधाम यात्रा को 1 जुलाई से शुरू करने के फैसले पर कल देर शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक ने अपनी मुहर लगा दी है। पहले चरण में सिर्फ उन्हीं जिलों के लोगों को दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी जिन जिलों में धाम स्थित है। चार धाम यात्रा को लेकर 3 सीनियर आईएएस अधिकारियों को तैनात किया गया है जो संबंधित जिला प्रशासन और देवस्थानम बोर्ड के साथ समन्वय बनाकर यात्रा को संचालित करने में सहयोग करेंगे। वहीं कैबिनेट के फैसले के अनुसार देवस्थानम बोर्ड को चार धाम यात्रा को 1 जुलाई से शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अभी चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोग ही धामों में दर्शन कर सकेंगे। वहीं यात्रा के लिए अलग से एसओपी जारी की जाएगी। नियुक्त किए गए सीनियर आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे यात्रा की एसओपी को ठीक से लागू कराएं। चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों को वैक्सीन भी लगाई जाएगी। कैबिनेट की अनुमति के अनुसार चमोली जिले के लोगों को सीमित संख्या में बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग जिले के लोगों को केदारनाथ और उत्तरकाशी जिले के लोगों को गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कराए जाएंगे, लेकिन उन्हें आरटीपीसीआर अथवा रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। हाँ नमस्कार, प्राइम टीवी के लिए मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ और हम इसलिए उपस्थित हैं कि हम कल जो कैबिनेट की कल देर शाम बैठक हुई थी उस बैठक में जो चार धाम यात्रा से संबंधित जो फैसले लिए गए वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और वहाँ पे जो कैबिनेट ने जो फैसला लिया अन्य फैसलों के साथ जो चार धाम महत्वपूर्ण जो कोविड के मद्देनज़र जो अभी तक जो चार धाम यात्रा थी वो बंद रखी गई थी, लेकिन जो अभी जो चार धाम यात्रा के लिए कल कैबिनेट ने फैसला लिया तो उसमें ये फैसला है कि जैसे जिला चमोली में बद्रीनाथ धाम है तो यहाँ पे जो स्थानीय जो जिले के लोग हैं उनके लिए जो चमोली में बद्रीनाथ जी के दर्शन करने की अनुमति दी गई है और उसी प्रकार से रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जी के जो दर्शन करने की अनुमति दी है वहाँ के स्थानीय जिले के निवासियों को दी गई है और उसी प्रकार से उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री जी के धाम के दर्शन करने की अनुमति वहाँ के जिलों के लोगों को दी गई है। किंतु उसमें जो एसओपी जारी की गई है उस एसओपी में है कि स्थानीय लोग भी अगर जो मंदिर धामों के दर्शन करने आएंगे उनके लिए
आरटीपीसीआर और एंटीजन जो रैपिड टेस्ट है उसकी रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। और इस जो चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई, यहाँ पर स्थानीय जो व्यवसायी हैं, यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, वो बहुत खुश हैं। और हमारे बीच जो यहाँ पे जो हमारे बीच जो सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल लिखित जी हैं, हम इसे जानना चाहते हैं कि जो कैबिनेट का जो कल फैसला हुआ, उस फैसले से आप लोग कितना खुश हैं और जो यहाँ के स्थानीय जो व्यवसायी हैं और यहाँ के जो लोग हैं, जो पुजारी हैं, वो कितना खुश होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे कैबिनेट के फैसले पर? ये बहुत बहुत बधाई हम सरकार को देना चाहेंगे कि सरकार ने ये फैसला लिया है और स्थानीय जो लोग हैं उनको एक मौका दिया है कि बद्रीनाथ के दर्शन हो सके, केदारनाथ जी की और गंगोत्री जमुनोत्री की। थोड़ा सा हमारा ये रिक्वेस्ट था क्योंकि एंटीजन और आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो स्थानीय लोग करने के बाद वो श्रीनगर या हरिद्वार जाता है, तो उसमें थोड़ा सा छूट देने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि कई लोग उसको नहीं कर पाएंगे और ग्रामीण लोग जो जाना चाहेंगे यात्रा पे वो शायद उसको नहीं कर पाएंगे, तो इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, क्षेत्रीय जनता और सब लोगों को बहुत बहुत सरकार को इस बारे में बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपके लिए निधि जी, ने आपकी बात रखी। हमारे बीच जो है भाजपा के वरिष्ठ यहाँ पे जो नेता हैं और वो वर्तमान में जनपद चमोली के महामंत्री जी हैं दलीप सिंह नेगी जी, आपकी सरकार ने जो कल फैसला लिया है उस फैसले पर आप कितना खुश हैं? और जो उन्होंने ये भी उसको SOP में जो कैबिनेट का फैसला उसमें ये भी है कि जो 11 जुलाई से उसमें निर्णय लिया जाएगा जो 10 दिनों की जो चार धाम यात्रा की स्थानीय यात्रा होगी उसमें ये भी निर्णय लिया जाएगा कि 11 जुलाई के बाद जो है कि पूरे देश प्रदेशवासियों को जो चार धाम यात्रा की अनुमति दी जाएगी। तो आप अपने सरकार के फैसलों से लेकर के और जो क्या कहना चाहेंगे? सरकार का जो है सराहनीय कदम है और इससे जो है हमें बहुत खुशी है और जनता में भी बहुत उसमें खुशी का माहौल है। निश्चित रूप से जो है स्थानीय लोगों को, चमोली वालों को बद्रीनाथ की यात्रा के लिए, रुद्रप्रयाग वालों को जो है केदारनाथ की यात्रा के लिए और उत्तरकाशी के लोगों के लिए गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, लोगों में बहुत खुशी का माहौल है। और सरकार का कदम जो है सराहनीय है और सरकार फिर देगी, फैसला करेगी कि इसके जो है परिणाम क्या निकलते हैं। उसके बाद 11 तारीख से आम जनता के लिए हो सकता है कि इसके जो है द्वार खुल जाए। और मेरा सभी से निवेदन है कि जो सरकार की गाइडलाइन है, पूर्व के जो नियम है उनको फॉलो करें और सरकार के बताए नियमों का पालन करें। जब हम सरकार का साथ देंगे तो सरकार भी तभी जो है उचित कदम जनहित में उठाएगी। इसलिए मेरा आम जनता से निवेदन है कि वो सरकार के बताए हुए जो नियम है उनका पालन करें ताकि जो है सरकार जो है उचित निर्णय जनहित में ले सके। धन्यवाद। ये दोनों लोगों की वार्ता आपने सुनी, तो हम भी चाहेंगे कि जो कैबिनेट ने कल चार धाम के लिए स्थानीय जिले के निवासियों के लिए चार धाम यात्रा के दर्शन के लिए अनुमति दी है, तो हम भी चाहेंगे कि लोग जो सरकार के जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए चार धाम यात्रा को संचालित करेंगे। वहाँ पर जो तीर्थ पुरोहितों को जो वैक्सीन लगाने की जो उन्होंने बात कही है कि वहाँ पर चार धाम में जो मंदिर भी है वो जिला प्रशासन के साथ वहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाएगी। और कैबिनेट ने एक फैसला लिया कि 3 जो वरिष्ठ IAS जो अधिकारी होंगे वो इस मेले को संचालित करेंगे और जिला प्रशासन और देवस्थानम बोर्ड के साथ समन्वय बनाते हुए ये चार धाम यात्रा को संचालित करेंगे। तो वर्तमान में चमोली से सुरेंद्र नत्ता की रिपोर्ट। वहीं चार धाम यात्रा को देखते हुए चमोली जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बद्रीनाथ धाम का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों को यात्रा शुरू होने से पहले सभी कार्य पूरे कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया और SP ने बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण करने के साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा भी लिया। DM ने स्वास्थ्य केंद्रों पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए और कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द दूर किया जाए। जिलाधिकारी ने लालबगड़ में हुए लैंडस्लाइड इलाके में निरीक्षण किया है। क्षेत्र में पानी, बिजली और स्वास्थ्य की सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के आदेश भी दिए। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के उड्डयन विभाग द्वारा अब पर्वतीय क्षेत्रों को हवाई सेवा से जोड़ने की पहल की जा रही है। इसी क्रम में अब अल्मोड़ा जिले के लोगों को एक और उपलब्धि मिलने जा रही है। जिले में जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने वाली है जिसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि अल्मोड़ा के टाटिक में हेलीपैड तैयार हो गया है जो हवाई सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसकी सूचना उड्डयन विभाग को दे दी गई है और बहुत जल्दी यहाँ के लोगों के लिए हवाई सेवा भी मिल जाएगी। वहीं अगली खबर कृषि कानून से जुड़ी हुई है। यहाँ कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसानों के आंदोलन के 7 महीने
पूरे होने पर माले ने बिंदु खता क्षेत्र में जुलूस निकाला है और इस दौरान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार किसानों की मांग सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे अडानी और अंबानी जैसे कॉरपोरेटेड घरानों को फायदा पहुंचाना है। भाकपा माले के वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह जग्गी ने कहा कि सरकार तानाशाही का रवैया अपना रही है और लोकतांत्रिक तरीके से किसानों के प्रदर्शन को दमनकारी नीतियों के तहत कुचलने का प्रयास कर रही है। सरकार किसानों की सुनने को तैयार नहीं है। वहीं किसानों के आंदोलन को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा और भाकपा माले सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने और किसानों को उनका गुलाम बनाने पर तुली हुई है, जिसके किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि 7 महीने के दौरान कई किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, फिर भी सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में उनका आंदोलन किसानों की मांगे पूरी होने तक क्षेत्रीय स्तर पर लगातार जारी रहेगा। जब तक ये तीनों कृषि कानून, काले कृषि कानून, किसानों की, आम देश की, गरीबों की, आम जनता की बर्बादी के, ये तीनों कृषि कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेती, तब तक जो है ये किसान आंदोलन जारी रहेगा। 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान बैठे हैं, पूरे देश में करोड़ों किसान आंदोलित हैं इन तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने के लिए। लेकिन मोदी सरकार अपनी हर धर्मी पर अड़ी है और किसानों से जो है वार्ता नहीं कर रही, और अडानी अंबानी और तमाम कॉरपोरेट घरानों की जो है वो चार्जकारिता में लगी है, दलाली में लगी है। वहीं हरिद्वार से देहरादून कूच करने जा रहे भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों को पुलिस ने हरिद्वार में ही रोक दिया। जी हां, दिल्ली में किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर किसानों ने देहरादून में गवर्नर हाउस का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। नाराज किसानों ने बीच हाईवे पर ही धरना शुरू कर दिया। बाद में प्रशासन के अनुरोध पर किसानों ने धरना समाप्त किया और अपनी मांगों को लेकर एडीएम बीके मिश्रा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। जितने भी टोल प्लाजा हैं वहां किसानों से कोई टोल टैक्स ना लिया जाए। किसानों ने चेतावनी भी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा, और इसके साथ ही बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी रहेगा। जो आज 7 महीने आंदोलन को पूरे हो गए, जो दिल्ली में 3 कृषि कानून को लेकर आंदोलन चला गया, आज हमारा 7 महीने पूरे होने पर माननीय गवर्नर हाउस का घिराव कर देहरादून ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, लेकिन अभी ये कार्यक्रम यहाँ पुलिस ने हमें रोक लिया, देहरादून नहीं जाने दे रहे, इसलिए हम यहाँ भी रोड पर रोक रखे हैं, यहीं हम बैठे हुए। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।